पी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्ण कुमार संजय। यह न्यूज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, तो गया रेलवे पुलिस ने दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गया जिला स्थित गया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के क्रम में पिलीग्राम प्लेटफॉर्म के हावड़ा छोर के पास बने पंप हाउस के पास से दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे रेल पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया था। तलाशी लेने पर दो देसी कट्टा, तीन गोली, एक मोबाइल बरामद किया गया। वो दोनों अपराधी की पहचान गया जिले के डेलाग थाना क्षेत्र के उपिंदर सिंह के पुत्र प्रिंस कुमार और विजय शाह के पुत्र अनुज कुमार के रूप में किया गया है। उक्त छापेमारी टीम में रेल थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, नीरज कुमार, कुणाल सिंह, अंकित कुमार तथा रंजित कुमार शामिल थे। कल दिनांक 19/5/24 को गया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के क्रम में पिलग्रिम प्लेटफॉर्म के हावड़ा छोर के पास बने पंप हाउस के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनको घेर कर पकड़ा गया। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से दो देसी कट्टा, तीन गोली 0.315 बोर का और एक मोबाइल मिला। पर जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त, उनका नाम है प्रिंस कुमार जो कि गया जिला के रहने वाले हैं, अनुज कुमार ये भी गया जिला के रहने वाले हैं, और जो छापेमारी टीम जो इनके द्वारा पकड़ा गया है वो पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार, रेल थानाध्यक्ष गया, सिपाही नीरज कुमार, सिपाही कुणाल सिंह, सिपाही अंकित कुमार एवं सिपाही रंजीत कुमार। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।